वेल ये है ग्लोरियस एमपी एंड इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं माइनक्राफ्ट के वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड वेपन्स एंड इनमें से एक वेपन नोन एज एंडर ब्लेड मैं ऑब्टेन कर चुका था। जब मैंने इस वेपन को ऑब्टेन करा तब पूरी की पूरी एसएमपी मेरे और मेरी टीम के अगेंस्ट में आ चुकी थी, जिसके रिजल्ट में हमारी बेस रेड हो जाती है एंड मुझे मार कर ये वेपन ले लिया जाता है। एंड अभी पूरी एसएमपी के अंदर मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था, इस वेपन को किसी भी तरीके से ऑब्टेन करना। आ जाओ जल्दी 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 रे बेचन। अरे मैं मर गया। मेरे पास, मुझे बचाओ, मेरे पास फायर ब्लेड है, मुझे बचाओ। लेकिन इसको ऑब्टेन करने से पहले, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर गलती से मैंने लिटरली अपनी मेन बेस के कोऑर्डिनेट्स रिवील कर दिए थे। ये तूने क्या कर रहा है यार? मैं भाई एक जगह पे भी नहीं है, इधर चार चार जगह पे बेस के कॉर्ड दिख रहे हैं पब्लिकली। तूने एक एक रास्ते दिखाए बेस पे आने के। अगर स्पॉन से बेस पे आना है तो कैसे आएंगे, अगर ओल्ड बेस से न्यू बेस तक आना है तो कैसे आएंगे? मैं बेस पे आ रहा हूँ तो जल्दी ज्वाइन कर गेम, मैं तेरे को वहाँ से निकालता हूँ और फिर देखते हैं क्या करना आगे। वेल गलती से मैंने अपनी ही वीडियो के अंदर अपनी बेस के कोऑर्डिनेट्स रिवील कर दिए थे, जिसकी वजह से मेरे टीममेट्स और मैं खुद से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि इस छोटी सी गलती की वजह से हम एसएमपी के अंदर अब बहुत ज्यादा पीछे जा चुके थे, क्योंकि हमारे कंपटीशन में लोग बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ग्रैंड कर रहे थे एंड दूसरी साइड पे हम अब बहुत ज्यादा स्लो हो चुके थे। एंड अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था, एक न्यू बेस क्रिएट करना। लेकिन डायमेंशन के अभी भी कुछ और ही प्लान्स थे। ओके, मेरे को आवाज आई। यो देख, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, वेट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा ऊपर ही एक ऐसी जगह बना ले, इधर आना, जैसे इस टाइप से ये पेड़ के ऊपर कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं हम लोग। वेल डायमेंशन को ये लग रहा था कि हमारी ओपोनेंट टीम को हमारी बेस के कोऑर्डिनेट्स वीडियो देखने के बाद मिल चुके हैं एंड अभी वो लोग किसी भी टाइम हमारी बेस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ से जाकर एक नई बेस बनाने से अच्छा हम यहाँ पर खड़े होकर अपने ओपोनेंट्स के आने का वेट करें एंड जब वो लोग आए तो हम उन पर जंप करके उन्हें ही मार दें। लेकिन ये प्लान बहुत ही ज्यादा जल्दी फेल हो जाता है जब हम काफी ज्यादा टाइम तक वेट करते हैं एंड वहाँ पर कोई भी नहीं आता एंड इसके बाद हम एक बहुत ज्यादा सीक्रेट जगह पर जाकर अपना बेस बनाते हैं एंड तभी हमारा टीममेट प्लेनेट एक ऐसी बात हमें बताता है जो कि हमने लिटरली कभी नहीं सोची थी। ओके, ओ आरबी का बेस है। वेल एक्चुअली प्लेनेट को हमारे ओपोनेंट्स की बेस मिल चुकी थी एंड ये वही ओपोनेंट्स थे जिनके पास मेरा वेपन एंडर ब्लेड है एंड अभी मुझे कुछ चांसेस दिख रहे थे अपने उस वेपन को दोबारा ऑब्टेन करने के। वेल इसके बाद हमारा प्लान बहुत ज्यादा सिंपल था, हमें प्रिपेयर होकर कैसे भी कर इनकी बेस पर अटैक करना था और इनसे वो वेपन लेना था। एंड याद रखो, हमारे ओपोनेंट्स के पास सिर्फ एक वेपन नहीं, दो दो वेपन्स थे एंड इन वेपन्स को ऑब्टेन करने का ये चांस हम ऐसे नहीं जाने दे सकते थे। बेस मिलने के बाद मैं और डायमेंशन सोचते हैं कि इनकी बेस को एक दफा विजिट किया जाए। ये पोर्टल है, चला जा। वेलकम टू द बेस। अभी तेरे को कुछ चीजें दिखाता हूँ। इधर मैं, इधर आ, इधर आ, इधर आ। यहाँ इनकी विलेजर्स देख, जल्दी फिर निकलना है भी बेस से। अपने फायदे के लिए लोग क्या क्या करते हैं? कुछ भी नहीं छोड़ा। स्ट्रिंग देख भाई, तू इन चेस्ट में भरे हुए हुए। वेल इन लोगों का बेस सच में बहुत ज्यादा ह्यूज एंड एपिक था, लेकिन क्या तुम लोगों को इससे भी ज्यादा एपिक चीज के बारे में पता है? वो है नीचे सब्सक्राइब का बटन। तो बेसिकली हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू डू इट। वेल हम लोग बेस को एक्सप्लोर करते करते एक अंडरग्राउंड बंकर टाइप जगह पे जाते हैं, जहाँ पर हमें इस बेस की सबसे यूनिक चीज देखने को मिलती है। ये रूम देख भाई, कितना प्यारा बनाया हुआ है भाई। मिस्टर हॉक भाई, एकदम मिस्टर हॉक और मिसेस हॉक भाई। मिस्टर और मिसेस हॉक, यो इनकी तो मैं ऐसी पेटी बनाऊंगा ना दोनों की। इनको मारना नहीं है भाई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई। मैं शक ना हो ऐसे कोई फायदा नहीं। चल हैदर, हैदर चल 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 चल। ओ उसके नीचे भी जा भाई, क्या क्रेजी करा है लोगों ने। यहाँ तो मैं नहीं आया, यहाँ मैं नहीं आया। यहाँ पे क्या है? ये हमारा और गोल की ब्लॉक्स देख, गोल की ब्लॉक्स देख डूड, गोल ब्लॉक्स देख। ओ माय ब्रो, व्हाट द हेक, व्हाट द हेक, व्हाट द हेक भाई। मैं वेल थोड़ा सा गोल्ड उठाने के बाद हम लोग अपनी बेस की तरफ वापस चले जाते हैं। अभी तक एसएमपी के अंदर हमारे साथ इतनी ज्यादा बुरी चीजें नहीं हो रही थी। हमारे बेस के कोऑर्डिनेट्स लीक हो चुके थे, जिसके एक्सचेंज में हम उससे 100 गुना बेटर बेस बना चुके थे। लेकिन तभी उसी बेस के आसपास हमारे एक टीममेट के ऊपर अटैक होते हैं।
वेल हम लोग अपने ओपोनेंट्स की बेस की तरफ जाने की तैयारी ही कर रहे होते हैं, तभी हमारा ओपोनेंट चैट के अंदर कुछ स्पैम करने लग जाता है। सब टू जॉइस कॉम्बैट लॉक, व्हाट जॉइस, ये कब हुआ? तूने कॉम्बैट लॉक किया क्या? अबे ये है कहां पे जॉइस? जवाब दे दे भाई, अब ये बोलेगा नहीं भाई। लेकिन अरे लोकेशन बताए ना, हम भी आते हैं भाई। अरे इससे इससे लोकेशन पूछो, हम चलते हैं ना सारे। ये लोकेशन में नहीं बता रहा। मेरे साथ चलो, ये लोग पुरानी बेस। हेलो हेलो, ये लोग पुरानी बेस। किधर हो? मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। एक से एक, रुक एक से एक। किधर 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 हैमर डायमेंशन भाई, विदर हैमर दे सकते हो क्या मुझे? अरे उसकी सुन लो ना यार। अरे निकल गया, सुनो भाई मेरी। क्या मैं बैठा हुआ था एक जगह पे नेदर पोर्टल के वहां, पता नहीं ये कहां आ गया। मैंने लॉग आउट स्क्रीन को देख के लॉग आउट कर दिया, तो ज्वाइन थोड़ी नहीं। अरे अब एस्केप कर गया ना, अब वो एस्केप कर गया ना। चल एस्केप कर गया तो बेटर है। लेकिन वो थे कहां पे? तूने कहां देखा उन्हें? वो पोर्टल के वहां, पोर्टल जो था। क्या हुआ बताओ तो सही, क्या हुआ? मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। अबे जाना किधर है यहाँ पे? एंड पोर्टल वो किधर? तुम लोग ये देखो क्राफ्टिंग टेबल प्लेनेट, ये तोड़ देना, ये तोड़ देना क्राफ्टिंग टेबल भाई। तुम वो किधर बताओ तो सही। वेल होक ने हमारे टीममेट जॉइस के ऊपर अटैक कर दिया। उसने ये अटैक हमारी रीसेंट बेस के करीब ही किया था। इसका मतलब ये था कि हो सकता है होक को हमारी न्यू बेस के बारे में भी पता चल गया हो। एंड इसके बाद हम होक को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। किसने किया? अरे डायमेंशन, तू ईगल साइज मत दिखाना, उनको ये लगना चाहिए कि ईगल साइज में मुझे इधर हैमर दे सकते। अरे यार कॉर्ड्स तो बताओ, होक इधर भाग गए भाई। आप तो शॉर्ट से फाइट करते हो। चलो सही है, कोई बात नहीं। अरे भाई बताओ तो सही, होक इधर सारे। Well, at this point, हमें यही लग रहा था कि होक भाग चुका है, क्योंकि वो भागने में बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन तभी पी गेमर्स कुछ ये बोलते हैं। ओए होक, होक मेरे सामने, होक ओए आगे आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं बेस पे, अब हमें आ रहे हैं। चिल 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 चिल, बेस के लिए भैंस की दुम, आ जाओ सारे भाई, अब नहीं बचने चाहिए। मैं उड़ रहा हूं भाई, मैं नीचे नहीं उतर रहा, मैं नीचे नहीं उतर रहा। ऑफिस पे, ऑफिस पे आ जाओ, आ जाओ, तीर मत लगा लेना, तीर मत लगवा लेना, बस तीर मत लगवा लेना, जल्दी बेस पे जल्दी फटाओ भाई, बेस पे आ गए, आ गया, मैं आ गया, मैं बेस पे हूं, मैं बेस पे हूं। वैसे तू किधर है? मैं भी हवा में हूं मैं। अरे पी गेमर किधर है? अरे पी गेमर हो किधर है? हो किधर है? हो किधर है? अभी मेरे साथ हवा में उड़ रहा था, गायब हो गया। टैब टैब बॉस की लेयर दिख रही है, टैब बॉस की लेयर दिख रही है। किसका माइक था? इसका रिएक्शन अभी उसने मेरे को देखा था, ऐसे भाग तो नहीं सकता वो मेरे को छोड़ के। उसको पता है मेरी, अरे ये खड़ा है मेरे सामने, होक मेरे सामने है, होक वो गायब, अरे ये खड़ा है, वो गायब हो गया, वो गायब हो गया, वो लीव कर गया, वो लीव कर गया, वो फिर आ गया, फिर से ज्वाइन करा, डबेचा मेरे सामने खड़ा है, ये नहीं चाहिए, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, बेस में लेट्स गो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे ये नहीं मेरे सामने, मेरे कॉम्बैट में ले गया, जल्दी आ जा भाई, अब तो पेटी बनेगी भाई, अब तो क्रेजी हो जाएगा भाई सी। हैदर भाई हो किधर? अरे लाइक बेस के बिल्कुल पास है ब्रो, पीछे की पहाड़ी है, पीछे की पहाड़ी है वहां पर, क्रेजी भाई, चलो है टेंशन, लेट्स गो भाई, लेट्स गो भाई, इधर साइड पे हो, इधर साइड पे आ, जॉइस भी आ गया, लेट्स गो भाई। अरे पकड़ो किधर, निकलना नहीं चाहिए, अरे बेस के पास है, अरे जॉइस इनको कोऑर्डिनेट्स दे, जॉइस इनको कोऑर्डिनेट्स दे, जॉइस इनको कोऑर्डिनेट्स दे, आगे आगे आगे, वो देखो पेड़ के ऊपर टेंशन, निकलना नहीं चाहिए प्लीज, ये निकलना नहीं चाहिए, निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, निकलेगा, तुम लोग आओ बस मेरे साथ आओ, हम तेरे साथ ही हैं, डोंट वरी। यार मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा यार। अरे ब्रो लाइक, अरे जॉइस को कोऑर्डिनेट्स देना, जॉइस इसको जल्दी जल्दी नोट कर ले, बेस के ऊपर ही हो तुम लोग, अरे बेस के आगे हैं, बेस के आगे हैं, कोऑर्डिनेट्स नोट कर लो ना, लिखवा रहा है वो, बेस के ऊपर आने, बेस के ऊपर आने के, बेस के अंदर, अरे उसको बोलने दो जॉइस को, मैं पोर्टल तोड़ दूंगा, अरे ये रहा मेरे साथ, अरे जॉइस आ गया भाई, वो निकल गया, वो निकल गया, निकल गया बेचारा, निकल गया, नहीं नहीं वो पोर्टल पे, पोर्टल पे, पानी में, पानी में, पानी में, कॉर्ड लिखो, लिखो लिखो लिखो, लिखवा, मैं उधर ही हूँ, तेरे ऊपर घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे होक नहीं दिख रहा, कॉम्बैट में मतलब स्टिल, बस उसको चेस करना, वो निकले ना, मुझे भी दिख गया, मुझे भी दिख गया, कहां पर, कहां पर, अरे पानी के अंदर है, पानी के अंदर है, पल करा उसने, पल करा, पल करा, पल करा, देख के इसके पल्स, इसके पल्स नोट करो, इसके पल्स नोट करो, इसके पल्स नोट करो, बस इसको हिट मत करो, इसके बस पल्स देखो, कॉम्बैट में, कॉम्बैट में, नो, ओके ओके, इधर आ जा, इधर आ जा, मैं भी तेरे साथ हूं मेरी जान। प्लैनेट भाई तुम हो किधर? पानी के अंदर, पानी के अंदर, इसके बाहर पानी है ना, उधर है, बिल्कुल भी इसके बाहर हो, हाँ बिल्कुल बेस के बाहर, ये ओशन डायमेंशन, आज ये टाइम है भाई, भाई जल्दी आ जाओ जल्दी, ओके ओके, निकल रहा, निकल रहा, ओके ओवरवर्ल्ड में जा रहा है, बेस पे, बेस पे होना, हैदर उसके पल पे रहियो अब, एकदम ओ दिख गया, ओ दिख गया, दिख गया, ये कौन है, ओ ओ ये तो सब दूर हो गए, अब ये तो सब दूर हो गए यार, अरे अरे भाई
उसने सही है सही है। अभी, अभी एक उधर को किया, एक उधर को किया, ओके एक उधर किया, एक पीछे को कर लिया डैमेज उसने, पीछे को कर लिया साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, इधर है, इधर है, इधर है। प्लैनेट नीचे कोई जा, जी जाना चाहिए। तेरे को फॉलो कर रहा हूँ, प्लैनेट तेरे को फॉलो कर रहा हूँ, किधर है वो? ढूंढ नीचे अंडरग्राउंड पानी में होके ढूंढ। तुम लोग अरे मैं बेस पे, अब बेस का क्या करना है, अब बेस का क्या करना है, इसको बेस कैसे मिली? Well, sadly, Hawk escape कर चुका था एंड इसी के साथ साथ हमारी न्यू बेस के कोऑर्डिनेट्स भी उसको मिल चुके थे, लेकिन स्टिल हमारे पास चांस था इन सब चीजों को कवर अप करने का, क्योंकि हमारे पास उन लोगों की बेस के कोऑर्डिनेट्स थे एंड अभी टाइम आ चुका था वहां जाने का। किसका? हाँ बस सही है, चलो चलो चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। पूरा अरे पूरा वो फील्ड नहीं है बस। अरे जॉयस तो आया ही नहीं, उसको रास्ता कौन बताएगा? ओके ये अपना कैंप है, ठीक है ये अपना कैंप है। ओके ओके पी जल्दी आ, पी भाई तुम लोग हो किधर, मेरे को दिख ही नहीं रहा। इधर नेम टैग देख, नेम टैग, मेरा नेम टैग देख, मैं उछल रहा हूं। अगर कोई आ गया ना गेम में तो दो लोग कोई भी लीव कर देना, कोई सोच के रखो, हैदर और फॉर एग्जांपल जॉयस लीव कर देना। ये बेस पे नहीं है, ये बेस पे नहीं है, दो लोग लीव कर दो, लीव कर दो, हैदर तू लीव कर दे, हैदर तू लीव कर दे, पीएम तू भी लीव कर दे। पहले उन लोगों के बेस के अंदर हम पूरी रात वेट करते हैं, लेकिन सैडली उनकी बेस के अंदर कोई एक बंदा भी नहीं आता। अब ना मेरी बात सुनो, हम लोग ना यहाँ पे हैं, मैं ना ज्वाइन करूँगा और ज्वाइन करके देखता रहूँगा कुछ कुछ टाइम बाद, हर रोज़, ठीक है? कल के दिन में भी, आज के दिन में भी, जैसे मेरे को दिखते हैं ना ये लोग बेस में, मैं तुम लोग को कॉल करूंगा, लीव करूंगा गेम और तुम लोग को कॉल करूंगा, जैसे हम लोग ने पिछली बार करा था तीन लोग के बारे में। अभी सब कुछ रेडी था, हमारा प्लान एकदम परफेक्टली जा रहा था एंड इसी के साथ साथ हम लोगों ने अपने छुपने की जगह भी चेंज कर ली थी, लेकिन इसके कुछ टाइम के बाद डायमेंशन हमें कॉल करता है। अभी ना जॉयस ज्वाइन किया गेम को। अच्छा वहीं पे? वहीं पे, वहीं पे, वहीं पे अपना ऑटोमेटिक रीप्ले ऑन करके। गेम में दो लोग थे, आरबी और दूसरा था नारुतो। ओके ओ ओके Yes, हमारे ओपोनेंट्स दूसरी टीम्स के साथ अलाय हो रहे थे, जिसकी वजह से ये फाइट हमारे लिए और ज्यादा इंटेंस होने वाली थी। और इसी बात के कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा होता है। भाई वो गेम में थे। ओ माय गॉड ओके मैं खाना खाने गया हुआ था भाई, तेरे को पता तो है। अरे वो होक मेरे सामने था गेम के अंदर। दोनों पे रहता नहीं है। अभी तक A to Z जितने भी प्लानिंग की थी वो हम लोगों ने ही की थी एंड हमें ऐसा लग रहा था कि हो ही नहीं सकता कि हमारी ओपोनेंट टीम भी इसी टाइप की प्लानिंग कर ले एंड यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो पता है ना पॉट मेरे पूरी पहले, अरे मेरी बात तो सुन लो भाई। देखो मैं गेम ज्वाइन करता हूँ एंड मैं देखता हूँ कि वो सही में कोई है भी सही, एक बंदा तो नहीं है बेस के अंदर, तो क्या फायदा जाने का मेरे को। पहले एक बारी देखो, चल चेक कर, एक बंदा जाओ। मैं जाता हूँ। अरे मत खाओ, आवाज आ जाएगी। अरे लाइक प्लैनेट पॉटअप कर, प्लैनेट पॉटअप कर, खोलो खोलो खोलो, निकलो निकलो, ड्रैगन ब्लेड मेरे सामने है। चल 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 चल, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अरे ये कौन है? वो कौन है, कौन है वो लोग? अरे इनविज वाले मैं हूँ, इनविज वालों को मत मारो बस। अरे उन लोगों को भी इनविज है, सारे इनविज है। अपने अपने शील्ड लो, अपने अपने शील्ड लो हाथ में, अपने अपने शील्ड लो हाथ में। इन लोगों को पता चल जाने वाला, ये लोग प्रिपेयर्ड थे। अरे भाई कोई देख ही नहीं रहा, कोई समझ नहीं आ रहा कौन है। ऑफेंड में शील्ड पकड़ो, ऑफेंड में शील्ड पकड़ो, ऑफेंड में शील्ड पकड़ो। पकड़ ली पकड़ ली पकड़ ली पकड़ ली। अरे मैं मर जाऊंगा, मैंने शील्ड पकड़ी तो, मैंने नहीं पकड़ी बस, मैंने शील्ड पकड़ ली, मैंने शील्ड पकड़ ली। मरना मत। अबे ये कौन है? अरे नहीं, शील्ड वाला, शील्ड वाला, ये हो गया, येलो वाला हो गया। ड्रैगन ब्लेड
कोई फायदा नहीं। रिलीज करो, रिलीज करो। अरे कूल डाउन है, कूल डाउन है, कूल डाउन है। मार 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 मार। आई शिट ये मेरे को कौन है भाई? कॉपर कर, मैं मारूं। कॉपर कर, प्लान कौन है? कॉपर में शॉट डैमेज तू है कहीं? ये किसी ने विदर हैमर मार दिया मुझे। अरे मैं भी इन विजो में टोटम पकड़ा हुआ देख के। अरे प्लेनेट इसको मार, प्लेनेट इसको मार, प्लीज इसका टोटम क्या है? तो अभी कोई हेल्प कर दो। अरे ये मैं हूं, किसका हेलमेट है? ये मैं हूं, हेल्प इधर भाई, बचाओ बचाओ। किधर हो, किधर हो, किधर हो? इसको मारो ना, इसको मारो। हमारी पूरी टीम ही कोलैप्स कर चुकी थी एंड इसके पीछे हमारी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां थी, लेकिन अब एक्सक्यूज देने का कोई टाइम नहीं था। हमारे पास अभी के टाइम पे 3 वेपन्स थे जो कि हम इस फाइट के अंदर लेके गए हुए थे एंड वो वेपन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। एंड जब से हमें ये बेस मिला है तब से लेकर अब तक हमारा एक ही टास्क था, अपने वेपन्स कलेक्शन के अंदर और न्यू वेपन्स ऐड करवाना। लेकिन शायद हमारा समय अभी उल्टा चल रहा था। अरे ये लोग नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चिल आउट डूड, हम लोग मर जाएंगे ऐसे। वो सब है, वो सब है, वो सारे एक साथ हैं। हैदर हैदर हेल्प, हैदर हेल्प, टोटम गया, मेरा आर्मर भी जाने वाला है। गाइस मैं कह रहा हूं निकलते हैं, निकलना बेटर है, निकलना बेटर है। ओके मेरे पे गाइस, निकलना बेटर है, निकलना बेटर है। इसे मैं निकल रहा हूं, मैं निकल रहा हूं, मैं तो निकल रहा हूं। मैं उसको कम ना, अरे क्या करना है? डायमेंशन फिर निकलो, 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 निकलो भाई, भाग जाओ वहां से, निकलो, निकलो। समीर पे, समीर पे, समीर पे, समीर पे, समीर पे, मैं टोटम गया फिर से। हम निकल जाएं, निकलो, 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 निकलो। मेरे पास, मुझे बचाओ, मेरे पास फायर ब्लेड है, मेरे पास फायर ब्लेड है। ब्रो जस्ट एस्केप, भाई तुम्हें सुना नहीं वो क्या बोल रहा है? निकल जाओ वहां से, निकलो, 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 निकल निकलो, 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 ये सारे मेरे पे हैं, ये सारे मेरे पे हैं। हेल्प मी प्लीज, प्लीज हेल्प मी। आई एम मेकिंग टेंशन में आऊं, मैं आऊं या जाऊं? नहीं, मैं आऊं, नहीं, 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 भागो, कैसे भी करो भागो, कैसे भी करो भागो, कैसे भी करो भागो। अरे भागो भाई, सारे सोचो मत, निकलो, निकलो। वो कितने लोग, मरना नहीं है भाई, कितने ही बंदे थे? वो सारे लोग एक साथ है, वो सारे लोग एक साथ है। 1, 2, 3, 4, 5 सब है, सब ये ऑलमोस्ट टाइम में गया था भाई। पूरी एसएमपी, पूरी एसएमपी हमारे अगेंस्ट है, पूरी एसएमपी। किसने बताया हुआ था? वेल लकीली मैं और डायमेंशन उस जगह से एस्केप कर जाते हैं, लेकिन सैडली हमारे 3 टीममेट्स एंड हमारा एक लेजेंडरी वेपन फायर ब्लेड हमारे हाथ से चला जाता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा चांस था इस वेपन को दोबारा ऑब्टेन करने का, लेकिन सैडली हम लोगों ने ये बहुत लेजेंडरी चांस गंवा दिया था। लेकिन शायद से एसएमपी के अंदर चांस मिलने का ये जस्ट एक छोटा सा स्टार्ट था। डायमेंशन किधर है? किधर है डायमेंशन? किधर है? यहाँ से पॉट्स उठा लो। अरे किधर है तू? अरे इधर इधर इधर, वो नहीं है, इधर रूम ट्रक में देखो, लेने आता हूँ। इधर देख, इधर मैं इनको बेडरूम लेवल पे लेके जाऊँ। पीछे है क्या? मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। प्लेनेट भाई मरने का सदमा बहुत गंदा लगा है लगता तुम्हें। डायमेंशन बहुत लेजेंडरी चांस है अब से ये पेट्स हमारे हुए।